सो हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम अनीश रॉय है। और कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लिस ओएस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल रोम निकल के आता है, ठीक है। और गाइस, ये हर एक डिवाइस में बहुत ही अच्छा खासा रोम निकल के आता है। यहाँ पे मैंने अपने पोको M2 Pro में फ्लैश कर लिया है इस कस्टम रोम को। और गाइस, आज मैं बताऊंगा कि क्या कुछ इस कस्टम रोम में देखने को मिलता है। और ये ऑफिशियल वर्जन है और Android 13 रोम है, ठीक है। और गाइस, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मियाटोल डिवाइसेस के लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आपके डिवाइसेस के लिए अगर रिलीज हुआ है तो आप देख लेना आपके लिए। तो गाइस, सारा कुछ माल मसाला मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस ब्लिस ओएस 16.6 टाइपून के बारे में। और गाइस, अगर आप इधर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे तगड़े वीडियोस मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें देखने मिलता है, गेमिंग कैसा होता है, यहाँ पे कस्टमाइजेशंस क्या क्या देखने मिलते हैं। और गाइस, यहाँ पे आपको ऐप लॉक का सपोर्ट, फिर यहाँ पे इनएक्स कैमरा का सपोर्ट देखने मिलता है कि नहीं मिलता, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। और गाइस, मेरा नाम अनीश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर हम इसके होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन का लुक कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो वॉलपेपर है, ये सोर्स का ही वॉलपेपर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसके लॉन्चर की, तो गाइस यहाँ पे लॉन्चर इसका कुछ थोड़ा सा कस्टमाइजेबल लॉन्चर है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर मन पसंद से आप कस्टमाइज कर पाओगे जो जो आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि डबल टैप टू स्लीप जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, फिर शो गूगल फीड, फिर एलो होम स्क्रीन रोटेशन वगैरह, और यहाँ पे ऐड ऐप आइकन्स टू होम स्क्रीन देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे नीचे जाओगे तो पैरेलल स्पेस भी यहाँ पे इस लॉन्चर में ऐड किया गया है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप कोई भी दो या फिर तीन व्हाट्सएप आराम से यूज कर पाओगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डेवलपर ऑप्शंस की, तो यहीं पे आपको डेवलपर ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लॉन्चर के रिगार्डिंग थोड़े एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैप टू रीसेट, यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलता है, आई मीन यहाँ पे ये सब कुछ जो है थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है जो कि आपको लॉन्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो है लॉन्चर में आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स के बारे में ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको शायद ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉलपेपर देखने को मिले, क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑफ है तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाकी थीम आइकन वगैरह की, तो यहाँ पे ये सारे वर्किंग है और यहाँ पे डार्क थीम वर्किंग है, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सेटिंग्स की ओर, तो जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है, पिक्सल एक्सपीरियंस जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है ये ब्लिसीफाई में ऐड किया गया है, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। पहले तो यहाँ पे डिस्प्ले की ओर चलते हैं, डिस्प्ले में थोड़ा सा यहाँ पे आप दिखा देते हैं कि क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की ओर ये सब कुछ देखने मिलता है, टैप टू वेक, फिर यहाँ पे प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेक अप वगैरह, फिर यहाँ पे डार्क थीम, ठीक है। डार्क थीम में यहाँ पे आप शेड्यूल वगैरह कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पॉकेट डिटेक्शन की, तो ये भी आपको यहाँ पे इस कस्टमर में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की ओर, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में सारे कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, फिर यहाँ पे स्क्रीन लॉकिंग साउंड, एंड यहाँ पे टच साउंड, फिर यहाँ पे शो वॉल्यूम बैलेंस और लेफ्ट। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन की और यहाँ पे रिंगटोन की, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे टिक्स वगैरह जो है ये कंट्रोल कर पाओगे आप इस कस्टम रूम में। अगर हम इसके कस्टमाइजेशंस की चलते हैं ना, तो गाइस कस्टमाइजेशंस में आपको यहाँ पे ब्लिस UI के अंदर बहुत सारे जो कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे इस कस्टम रूम में, ठीक है। और गाइस, ब्लिस रूम जो है हमेशा से जो जितने भी सारे कस्टमाइजेशन है वो देता आ रहा है, तो यहाँ पे इस कस्टम रूम में इसने मेंटेन करा है, आई मीन इस बिल में भी इसने मेंटेन करा है, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशंस की बात करें, एनिमेशंस में ये सारे एनिमेशंस वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्विक सेटिंग स्टाइल के एनिमेशन, फिर यहाँ पे स्क्रीन ऑफ के एनिमेशन, यहाँ पे पावर मेनू के एनिमेशन देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें इसे बटन्स की, तो गाइस बटन्स में ये तीनों कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जेस्चर्स की, तो गाइस जेस्चर्स में आपको सिस्टम नेविगेशन का जेस्चर देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जेस्चर्स के रिगार्डिंग और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड, फिर यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, एंड यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, फिर प्रिवेंट ट्रिंगिंग, ये सब कुछ यहाँ पे जो जेस्चर्स के अंदर कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। चलते हैं लॉक स्क्रीन की ओर, लॉक स्क्रीन में से जाओगे यहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे मीडिया कवर आर्ट देखने को मिल जाता है, फिर लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, रिपल इफेक्ट वगैरह, ये जो एनिमेशन है ये भी आपको देखने को मिलता है जब आप लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन में आओगे, फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड लगा के। नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे जो है कॉल वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, जो कि वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे आप जो है इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऐप टोस्ट आइकन भी देखने को मिल जाता है। और गाइस, जैसे आप यहाँ पे खींचोगे ना, यहाँ पे जैसे ये अटक जाता है ना कहीं पे भी, तो यहाँ पे अटक करके एक वाइब्रेशन फील होता है, जो कि बहुत ही एक फ्लैगशिप लेवल का फील देता है, ठीक है। यही पे अगर हम बात करें इसके पावर मेनू की, तो गाइस पावर मेनू में जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको जो है एडवांस रिसेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें क्विक सेटिंग्स की, वाइब्रेशन टच देखने को मिल जाता है, फिर क्विकली क्विक सेटिंग्स पुल डाउन देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पे शो डेटा यूसेज देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर का देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस स्लाइडर का यहाँ पे
एक्सपेंड करोगे या फिर यहाँ पे शो ऑलवेज करोगे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पोजीशन टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए ये भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्राइटनेस आइकन को भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी एस्टीमेट भी देखने को मिलता है, जो कि गाइस यहाँ पे बैटरी दिखाएगा कि कितना टाइम चलेगा, ठीक है, आपका बैटरी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड वही अगर बैक चले जाते चलते यहाँ पे स्टेटस बार की, और स्टेटस बार में आपको यहाँ पे बैटरी सर्कल जो है यहाँ पे परसेंटेज वगैरह शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का टेक्स्ट या फिर सर्कल चाहिए, एंड यहाँ पे परसेंटेज वगैरह इनसाइड में चाहिए फिर आउटसाइड में चाहिए भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है क्लॉक के ऊपर एम या फिर पीएम चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर बात करें स्टेटस बार मैनेजर की, तो ये सब कुछ देखने मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनेबल नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर या फिर कुछ देखने मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको हाइड नेटवर्क ट्रैफिक, फिर यहाँ पे इंडिकेटर एंड एक्टिव देखने मिल जाता है। फिर यहाँ पे शो वाईफाई आइकन टाइम देखने मिल जाता है। और यहाँ पे जो है प्राइवेसी के रिलेटेड इंडिकेटर जो देखने मिल जाते हैं, जैसे आप कैमरा खोलते हो तो यहाँ पे माइक का परमिशन दिखाई देता है। कैमरा का परमिशन दिखाने से एक यहाँ पे ग्रीन कलर का एक चीज आता है, बिंदु आता है, उसको आपका यहाँ पे डिसेबल या फिर इनेबल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड वाइप अगर हम बात करें इसके थीम्स की, तो गाइस थीम्स में जाओगे आपको थीम्स में बहुत सारे कस्टमाइजेशन, भाई इतने सारे कस्टमाइजेशन इस कस्टमर में देखने मिलते हैं, मतलब पागल ही हो जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर सेटिंग्स भी देखने मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ मॉनिटर को इनेबल कर सकते हो और यहाँ पे मॉनिटर के बारे में बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें फन स्टाइल की, और फन स्टाइल में ये सारे फन स्टाइल जो वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको इस कस्टमरों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने चीज एक चेंज कर दिया है, और गाइस यहाँ पे बहुत सारे जो फन स्टाइल वगैरह वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में दिक्कत वाली बात है नहीं, आपके मन के हिसाब से, आपके मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे जो है फन स्टाइल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड वाई अगर बात करें इसके सिग्नल आइकन की, तो ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। एंड वाईफाई आइकन में ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें आइकन शेप की, तो गाइस आइकन शेप भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड वाई अगर बात करें यहाँ पे ब्लैक थीम की, तो गाइस ये ब्लैक थीम जो है पीच ब्लैक वाला थीम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप इनेबल करने से एकदम फुल एमोलेड वाला फील आएगा, एमोलेड डिस्प्ले वाला फील आएगा। अभी अगर आप बात करें मिसलेनियस के बारे में, तो गाइस मिसलेनियस में ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता है। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, फिर शॉर्ट क्लिप बोर्ड ओवरले, और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है इस कस्टम रूम में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात करें सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको डायरेक्ट साइलेंसर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक बार मैं सीरीज को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। डार्क थीम का ऑप्शन, फिर यहाँ पे हेड्स अप वगैरह देखने को मिलता है, सिंक का ऑप्शन, फिर यहाँ पे हॉर्स पर वाईफाई, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है, जो कि सही से काम भी कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने बीजीएमआई वगैरह खेला, बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गेमिंग रूम भी है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है गेमिंग के रिलेटेड भी बहुत सारे जो है एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 90 एफपीएस का अनलॉक तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस उसको आपको मैजिक्स मॉड्यूल के जरिए अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपको अनलॉक नहीं करना आता, तो गाइस सिंपली मेरा एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात करें इसके अबाउट फोन के बारे में, तो गाइस अबाउट फोन में जैसे जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको अबाउट फोन का एंड्रॉइड वर्जन जो है 13 देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे अप्रैल 5 का देखने को मिलता है। फोन स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। और कर्नल वर्जन की बात करें, नमस्ते कर्नल देखने को मिलता है, नमस्ते, अच्छा लग गया। यहाँ पे डेवलपर की बात करें, तो गाइस डेवलपर आप स्वप्निल विकी देखने को मिलता है। प्लीज वर्जन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 16.6। और यहाँ पे प्लीज कोड नेम जो यहाँ पे टाइफून देखने को मिलता है, इस बिल्ड का नेम जो है टाइफून है। और यहाँ पे प्लीज डिवाइस जो है यहाँ पे मियाटोल दिखाई दे रहा है, बिल्ड स्टेटस ऑफिशियल दिखाई देता है। और यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा ऐप लॉक का सपोर्ट। और यहाँ पे आपको इस कस्टमर में ऐप हाइट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ऐप लॉक करना है तो कर सकते हो, लेकिन ऐप हाइट अगर करोगे तो आपको ऐप हाइट के लिए अलग से दूसरा कोई भी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस या फिर दूसरा कोई भी लॉन्चर यूज़ करना पड़ेगा, तो गाइस इसका ध्यान आप रख लेना। तभी मैं दिखा देता हूँ कि गीकबेंच रिजल्ट वगैरह क्या आया है इस कस्टम रूम में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके सीपीयू टॉटलिंग रिजल्ट्स की। तो गाइस सीपीयू टॉटलिंग रिजल्ट्स देख के मैं हैरान हो चुका हूँ इस कस्टम रूम में, आई मीन इस फोन में, मतलब इतना अच्छा खासा ये स्कोर जो है निकाल के दे देता है किसी भी कस्टम रूम की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके गीकबेंच रिजल्ट्स की, तो गाइस यहाँ पे 1753 देखने को मिल जाता है मल्टी कोर स्कोर में। एंड यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर में यहाँ पे ये जो 500 के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें इसके प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो गाइस डिवाइस इज सर्टिफाइड। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वाइड बैंड सर्टिफिकेशन की, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वाइड बैंड सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस कस्टम रूम में। एंड वहीं पे ये सब कुछ मैंने बता दिया इस कस्टम रूम के बारे में। इस कस्टम में आपको यहाँ पे ANS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। एंड वहीं पे अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन वगैरह की, तो गाइस यहाँ पे क्योंकि ये AOSP बेस्ड रूम है, तो गाइस यहाँ पे AOSP के सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे
जो डायलर वगैरह है ना वो यहाँ पे गूगल का ही दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे अगर कॉल वगैरह करोगे तो अनाउंसमेंट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने मिल जाता है, सारा चेंजेस जो कि गाइस मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया इस कस्टम रोम के बारे में, ब्लिस ओएस 16.6 के बारे में जो कि ऑफिशियल वर्जन है। और गाइस ये हर एक डिवाइस के लिए, आई मीन मियाटोल के हर एक डिवाइस के लिए, जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, फिर यहाँ पे रेडमी नोट 10 लाइट, ये सारे डिवाइसेस के लिए ये वर्क करेगा। किसी भी डिवाइस में फ्लैश कर पाओगे अगर आपके डिवाइस मियाटोल के अंदर आते हैं तो, मियाटोल के किसी भी प्लेटफॉर्म में आते हैं तो गाइस बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मस्त मस्त कंटेंट्स मैं लेके आता हूँ ना आप सबके लिए, समझते हो ना बात को। और गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट्स वगैरह देता हूँ तो टेक के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड इसके रिलेटेड, या फिर कस्टम रूम्स के रिलेटेड, या फिर कुछ भी अगर पूछना है तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड टिल देन आई वांट लीव, बाय बाय गाइस।